Hello everyone, I am Professor N.B. Chatti welcomes you all in the 22 lecture of electrical measurements. So my dear students, we have already discussed the multiplying factor in the last lecture, right? So these are the points we have already discussed in the last lecture. That is the multiplying factor of the wattmeter. Then what is the requirement of the multiplying factor? Then we have solved some examples on the multiplying factor. That examples will be definitely asked in every examination for 2 marks, right? Then we have discussed about the extension range of the wattmeter, right? So that much of syllabus we have covered in the last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss about the three-phase power measurement. Okay. So what is three-phase power here? Okay. So three-phase power is a common method of alternating current, electrical power generation, transmission and distribution. ये common method होती है three-phase power ये common method है alternating current की इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है. सो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीफेज सिस्टम. ये एक आपकी टाइप है पॉलीफेज सिस्टम का, थ्री फेज पावर यानी ये एक आपका टाइप है पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है. एंड इज मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, और ये सबसे कॉमन मेथड होती है जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड टू ट्रांसफर पावर. वर्ल्ड वाइड में ये इलेक्ट्रिक ग्रिड्स ये कॉमन मेथड को यूज करते हैं वहाँ पावर ट्रान्सफर करने के लिए, ठीक है. समझ लो थ्री फेज पावर म्हणजे काय की थ्री फेज पावर ही एक कॉमन मेथड आहे अल्टरनेटिंग करंटची इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशनमध्ये, नंतर ट्रान्समिशनमध्ये आणि डिस्ट्रीब्युशनमध्ये. तर ही एक टाईप आहे पॉलीफेज सिस्टीमचं, ज्याच्यामध्ये ही सगळ्यात मोस्ट कॉमन मेथड आहे इलेक्ट्रिक ग्रिड्स जे वर्ल्ड वाईड यूज करतात तिथली पावर ट्रान्सफर करण्यासाठी. देन नेक्स्ट पॉइंट ये है पॉलीफेज सिस्टम इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल पावर. पॉलीफेज सिस्टम म्हणजे काय तर आपण सिंपली काय करतो इथे डिस्ट्रीब्यूट करतो अल्टरनेटिंग करंट इन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट ये है एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या होता है आपका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सप्लायर्स टू कंज्यूमर्स, और वहाँ पे अपन डिलीवर करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर की तरफ से कंज्यूमर्स की तरफ, ठीक है. इलेक्ट्रिकल ग्रिड म्हणजे एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क असतं ज्याच्यामध्ये काय करतो आपण इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करतो सप्लायर कडून कंज्यूमर कडे, ठीक है. त्याला आपण इलेक्ट्रिकल ग्रिड असतो. So before actual measurement of the power, three-phase power, we must know the star connection and delta connection in a three-phase system, ठीक है. ये आपको मालूम होना चाहिए कनेक्शन से 2 टाइप है, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. अगर ये कनेक्शन आपको समझ में आते हैं तो इजीली आप जो मेथड्स है पावर मेजरमेंट करने के, थ्री फेज पावर मेजरमेंट करने के, वो मेथड्स आपको इजीली समझ में आए, ठीक है. तो ये आपको पहले देखना होता है कि स्टार कनेक्शन होता क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसमें लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज के रिलेशन क्या होते हैं, ये हमें ये लेक्चर में आज के देखना है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज स्टार कनेक्शन इन अ थ्री फेज सिस्टम. तो स्टार कनेक्शन दैट इज द सिमिलर एंड्स आइदर स्टार्ट और फिनिश एंड. स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो सिमिलर एंड होते हैं, एक तो स्टार्ट एंड या फिर फिनिश एंड जो होता है तीनों वाइंडिंग्स का, दैट आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट. वो हम एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्टार पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है. यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आए. तो ये है आपकी, ये है आपका स्टार कनेक्शन, और ये 3 वाइंडिंग है आपकी. ये आर फेज की वाइंडिंग है, ये वाई फेज की वाइंडिंग है, और ये बी फेज की वाइंडिंग, ठीक है. तो ये तीनों वाइंडिंग को 2 टर्मिनल्स रहेंगे, ठीक है. एक स्टार्ट टर्मिनल रहेगा और एक फिनिश टर्मिनल रहेगा, ठीक है. ये वाइंडिंग सपोज ली हमने, तो इसमें ये 2 टर्मिनल है, एक यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट है, ये दूसरा यहाँ पे कनेक्ट है. वैसे ये वाइंडिंग का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, वैसे ये तीसरे वाइंडिंग का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये तीनों वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल जो है, ठीक है, एक एक टर्मिनल यानी स्टार्ट टर्मिनल रहेगा या फिर फिनिश टर्मिनल रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये इन स्टार कनेक्शन जो सिमिलर एंड लेने हैं, एक तो स्टार्ट रहेंगे या फिर फिनिश एंड के रहेंगे, तीनों वाइंडिंग के। वो क्या करना है, हमें कॉमन पॉइंट पे उसको कनेक्ट करना है, तब तो वहाँ पे बनता है आपका स्टार और न्यूट्रल पॉइंट। तो ये होगा आपका स्टार या फिर न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है? So the three line conductors run from the remaining three pre-terminals। यहाँ पे तीन line conductors क्या होते हैं, remaining three pre-terminals से वहाँ पे run होते हैं, उसको बोलते हैं line conductors। तो ये star connection में ये जो three pre-terminals है R, Y and B, इनको बोलते हैं line conductors, R, Y and B। क्लियर है? So the three line conductors run from the remaining three pre-terminals। ये जो तीन लाइन कंडक्टर्स हैं वो रन होते हैं आपके थ्री प्री टर्मिनल्स हैं और उनको बोलते हैं लाइन कंडक्टर्स। ठीक। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू, अभी लाइन फेज करंट एंड लाइन करंट की डेफिनेशन देखने वाले हैं हम। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज इज कॉल्ड एज फेज करंट। आपके ये तीन फेज है आपके, ये आर फेज है, ठीक है, ये वाई फेज है और ये बी फेज। अभी ये हर एक फेज में से जो करंट फ्लो हो रहा है, देखो द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज, हर एक फेज में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं फेज करंट। ठीक है, उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज इज कॉल्ड एज फेज करंट। इट इज डिनोटेड बाय आईपीएच। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लाइन कंडक्टर, लाइन कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो ये आपके तीन लाइन कंडक्टर्स हैं आर, वाई एंड बी। तो इन तीनों में से जो लाइन करंट फ्लो हो रहा है, ये है आपका आई आर, ये है आपका आई वाई और ये है आपका आई बी। तो ये तीनों लाइन कंडक्टर में से जो लाइन करंट फ्लो हो रहा है उसको ही बोलते हैं लाइन करंट। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लाइन कंडक्टर, ईच लाइन कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं लाइन करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। समझ में आए दोनों की डेफिनेशन, फेज करंट एंड लाइन करंट। अभी सिमिलरली हम फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज इज कॉल्ड एज फेज वोल्टेज। इट इज डिनोटेड बाय ईपीएच। वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज इज कॉल्ड एज, वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज इज कॉल्ड एज फेज वोल्टेज। इट इज डिनोटेड बाय ईपीएच। तो ये रहेगा आपका ईपीएच। देखो हर एक फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे, तो ये आपका आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। ये तीनों फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे अपन उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। समझ में आया? यहाँ पे ई एन आर, ई एन वाई एंड ई एन बी, ये क्या रहेंगे आपके, ये क्या रहेंगे, फेज वोल्टेजेस रहेंगे। क्लियर है? एंड द वोल्टेज अक्रॉस टू लाइन कंडक्टर्स, जो हम दो लाइन कंडक्टर्स में जो वोल्टेज मेजर करेंगे उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो आपको यहाँ पे तीन लाइन कंडक्टर्स दिखते हैं आर, वाई एंड बी। तो ये तीनों लाइन कंडक्टर में जो वोल्टेज मेजर करेंगे अपन, सपोज आर एंड वाई के अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर किया, वो रहेगा आपका ई आर वाई, तो ये आपका लाइन वोल्टेज होगा। सपोज हमने आर एंड बी में वो वोल्टेज मेजर किया, तो ये रहेगा आपका ई बी आर, तो ये भी आपका लाइन वोल्टेज रहेगा। और सपोज आपने वाई एंड बी में अगर वोल्टेज मेजर किया तो वो रहेगा आपका ई वाई बी, तो ये भी आपका लाइन वोल्टेज रहेगा। ये फेज वोल्टेजेस हैं जो हम फेज के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं, और लाइन वोल्टेज यानी आपके दो कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं अपन उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। क्लियर है? तो ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी, फेज करंट, लाइन करंट, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में स्टार कनेक्शन। अभी इसके रिलेशन देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन फेज करंट, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट। ठीक है? तो एज द सिस्टम इज बैलेंस्ड, सिस्टम यहाँ पे बैलेंस है। सो बैलेंस सिस्टम मीन्स दैट इन ऑल द थ्री फेजेस, बैलेंस सिस्टम यानी कौन सी सिस्टम होती है, जिसमें तीनों फेजेस जो है आपके यानी RYB, ये जो तीन फेज है दी इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू देम। इक्वल अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है आपको तीनों फेज में से फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन दिख रहा है आपको, राइट। तो बैलेंस सिस्टम किसको बोलते हैं कि ये तीनों जो आपके फेजेस हैं यानी RYB, ये RYB जो फेजेस हैं, ठीक है, ये RYB ये तीनों जो फेजेस हैं इसमें से इक्वल करंट अगर फ्लो हो गया तो उसको बोलते हैं बैलेंस फ्लो। ठीक है, समझ में आया। और ये सपोज यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन जो एम्पिडेंस का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हर फेज में एक ही कॉम्बिनेशन लेना है। सपोज यहाँ पे इंडक्टर लिया आपने तो यहाँ पे भी इंडक्टर होना चाहिए, यहाँ पे भी इंडक्टर होना चाहिए। सपोज यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लिया आपने तो यहाँ पे भी इंडक्टर रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे भी इंडक्टर रेजिस्टेंस होना चाहिए। सपोज यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन लिया ये फेज में तो यहाँ पे भी दोनों में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का ही कॉम्बिनेशन लेना है, क्लियर। तो उसका इम्पीडेंस भी इक्वल होना चाहिए, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब उसको बोलते हैं बैलेंस लोड। और अनबैलेंस किसको बोलेंगे फिर, इसमें से कौन सी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस, क्लियर है। सो एज अ सिस्टम इज बैलेंस, बैलेंस system means that all the three phases, that is RYB, the equal amount of current flows through them. Therefore, the three voltages, that is E and R, E and Y, and E and B, are equal in magnitude. ठीक है, ये तीनों जो आपके वोल्टेजेस हैं यहाँ पे देखो E and R, E and Y और E and B, ये तीनों जो वोल्टेजेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। बट These are displaced from one another by 120 degree electrical. लेकिन ये तीनों में जो एंगल रहेगा यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल ये 120 डिग्री रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल लिया हमने, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बोला कि the three voltages E and R, E and Y and E and B are equal. So here E and R, E and Y and E and B दैट इज इक्वल टू ये आपके फेज वोल्टेजेस है, ठीक है, ये फेज यहाँ पे इक्वल में लिया है आपने। सो ट्रेसिंग दी लूप एन आर वाई एन, अभी यहाँ पे लूप को ट्रेस करना है अपना एन आर, ठीक है, एन आर वाई एंड एन, फिर से एन आर वाई एंड एन, ये लूप ट्रेस किया हमने तो क्या मिलेगा अपने कोई इक्वेशन देखो एन आर प्लस ERY, ENR प्लस ERY माइनस ENY इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इनकी फेजर सम लेनी है, फेजर सम यानी उसके ऊपर आपको बार डिनोट करना है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं फेजर सम, ठीक है। सो ENR प्लस ERY माइनस ENY इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ERY का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं फिर ENY बार माइनस ENR बार, this is the vector difference, clear. So to find the vector sum of ENY and minus ENR, we have to reverse the vector ENR and add it with ENY as shown in the phasor diagram, ठीक है। अभी क्या करना है वेक्टर सम फाइंड आउट करने के लिए ENY एंड माइनस ENR, ठीक है। टू फाइंड द वेक्टर सम ऑफ ENY की वेक्टर सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा माइनस ENR, वी हैव टू रिवर्स द वेक्टर ENR, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे रिवर्स करना है वेक्टर ENR को और उसको क्या करना है ऐड करना है ENY में। तो यहाँ पे देखो ये है देखो आपकी फेजर डायग्राम, क्लियर। तो क्या बोला है उन्होंने ये आपके तीन जो वोल्टेजेस है ये यहाँ पे दिखाया है देखो, ये है आपका ENR का फेजर, ठीक है, तो ये है आपका ENR का फेजर, देन ये है आपका ENY का फेजर, ये है आपका ENY का फेजर, और तीसरा है आपका ENR, ENY एंड ई एन बी का फेज है, तो ये तीनों में एंगल कितना रहेगा आपका 120 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी ये ई एन आर, पहले तो तीन फेजर निकालना होंगे आपको, ई एन आर, ई एन वाई एंड ई एन बी, ई एन आर, ई एन वाई एंड ई एन बी। तो इन तीनों में एंगल कितना होना चाहिए आपका 120 डिग्री, जो कि यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अभी इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में देखो, फेजर डायग्राम कैसे ध्यान में रखनी है आपको, ई एन आर के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई एन बी का फेजर ये है, ठीक है। देन यहाँ पे ई एन बी के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई वाई बी का फेजर लिया है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ई एन वाई के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई एन वाई का फेजर लिया है, ई एन वाई के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई एन वाई, ठीक है। देन ई एन आर के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई एन बी और ई एन बी के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई वाई बी, ऐसे फेजर लिए हैं, ठीक है। अभी माइनस ई एन बी और ई एन वाई का अगर रिजल्टेंट लेंगे अपन, रिजल्टेंट यानी ये टोटल एंगल होगा आपका 120, इसको डिवाइड करना है 60 डिग्री में, ठीक है। ये आपका एंगल रहेगा 60, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ई एन बी माइनस ई एन बी और ई एन वाई का रिजल्टेंट मिलेगा आपको ई आर वाई, ठीक है। जो कॉमन है वो यहाँ पे छोड़ देना है, बेस में क्या है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे वाई है, तो ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये रहेगा आपका ई आर वाई का फेजर। वैसे हमें यहाँ पे ई एन बी एंड माइनस ई एन वाई का फेजर रिजल्टेंट लेना है, तो ये रहेगा आपका ई वाई बी का फेजर। और यहाँ पे ई एन आर एंड माइनस ई एन ई वाई बी का अगर रिजल्टेंट लिया तो हमें वो फेजर मिलेगा माइनस ई एन आर का फेजर। वैसे ही ध्यान में रखनी है आपको ये फेजर डायग्राम, समझ में आया। तो ये है आपके यहाँ पे देखो, टू फाइंड द वेक्टर सम ऑफ ई एन वाई एंड माइनस ई एन आर। ई एन वाई कहाँ पे देखो, ई एन वाई एंड माइनस ई एन आर, ई एन वाई एंड माइनस ई एन आर, ई एन वाई एंड माइनस ई एन आर। इनका वेक्टर सम फाइंड करने के लिए वी हैव टू रिवर्स दी वेक्टर ई एन आर। वेक्टर ई एन आर को क्या करना है आपको, रिवर्स करना है, ठीक है। वेक्टर ई एन आर को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है ई एन आर, ठीक है। ये है आपका ई एन आर, उसको रिवर्स किया माइनस ई एन बी, ठीक है। एंड ऐड इट विथ ई एन वाई, उसको क्या करना है, ई एन वाई से ऐड करना है। तो इसका रिवर्स क्या लिया हमने, माइनस ई एन बी, और ये दोनों को क्या किया, ऐड किया, यानी इनका रिजल्टेंट लिया माइनस ई एन बी एंड ई एन वाई का, वो क्या मिला हमें ई आर वाई, समझ में आया। तो ऐसे आपको ई एल की वैल्यू मिलेगी, वहाँ पे ई एल की वैल्यू आएगी √3 E⁻²। तो यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा अपने को √3 × E⁻², क्लियर है। और सिमिलरली आप यहाँ पे ई वाई बी एंड ई बी आर की इक्वेशन लिख सकते हो, ई वाई बी का इक्वेशन लिख सकते हैं आप ई एन बी माइनस ई एन वाई, तो इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी यहाँ पे आई है। और हमें ई बी आर का, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ई आर वाई का इक्वेशन, ई एन वाई माइनस ई एन आर। फेजर डायग्राम में देखो एक बार, ई आर वाई इज इक्वल टू, ई आर वाई इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, ई एन वाई माइनस ई एन बी लिया था, ठीक है। वैसे हम अभी ई वाई बी के लिए क्या लिख सकते हैं, ई वाई बी के लिए ई एन बी फेजर डिफरेंस लेना है, ई एन बी माइनस ई एन वाई का। और यहाँ पे थर्ड जो है आपका वो ई बी आर रहेगा, तो ई बी आर के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, ई एन आर माइनस ई एन बी। और ये तीनों के इक्वेशन क्या आएंगे अपने, ई एल इज इक्वल टू √3 × E⁻², यही इक्वेशन आएगा। तो हिंस इन स्टार कनेक्शन the line voltage is √3 times of phase voltage, line voltage is equal to √3 times phase voltage। ये relation है आपका स्टार का relation है आपका line voltage and phase voltage का। तो final equation क्या लिख सकते हैं, line voltage is equal to √3 into phase voltage, समझ में आया। ये फाइनल इक्वेशन ध्यान में रखो, अगर ये नहीं ध्यान में रहता है आपके तो भी चलेगा, लेकिन ये फाइनल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन स्टार में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा तो आपको ये बोलना आना चाहिए कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज करें। वैसे सिमिलरली हम लाइन करंट एंड फेज करंट का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। सो हियर सेम करंट फ्लोज थ्रू दी फेज वाइंडिंग, उसका रिलेशन निकालने के लिए ये पॉइंट दिया है कि सेम करंट फ्लोज थ्रू दी फेज वाइंडिंग। सेम करंट क्या हो रहा है आपके फेज वाइंडिंग में से फ्लो हो रहा है। तो ये देखो ये फेज है आपका, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। तो इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आपका INR, और वही INR करंट या आर कंडक्टर में से भी फ्लो हो रहा है, यानी INR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन IR। क्लियर है। वैसे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो INY इज इक्वल टू IY, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप INB इज इक्वल टू IB। सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सेम करंट फ्लोज थ्रू दी फेज वाइंडिंग एज वेल एज इन दी लाइन करंट एज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फेज वाइंडिंग, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो उसकी वजह से करंट आपका यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर है। सो यहाँ पे लिया इक्वेशन IR इज इक्वल टू INR, IY इज इक्वल टू INY एंड IB इज इक्वल टू INB। यहाँ पे देखो INR इज इक्वल टू IR, INY इज इक्वल टू IY एंड INB इज इक्वल टू IB। क्लियर है। सो वेयर द फेज करंट विल बी, यहाँ पे फेज करंट क्या रहेंगे आपके फिर, तो ये फेज करंट रहेंगे आपके INR, ये आपके लाइन करंट है IR, IY एंड IB, और ये फेज करंट है आपके INR, INY एंड INB। तो यहाँ पे फेज करंट ये है आपकी। क्लियर है। और लाइन करंट क्या है आपकी IR, IY एंड IB, लेकिन दोनों से सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो INR और ये सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो इसकी वजह से दोनों इक्वल लिख सकते हैं अपन। तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ध्यान में रखना है ये सेंटेंस आपको कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट एंड फेज करंट आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइन करंट एंड फेज करंट आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन। अभी सिमिलरली आप डेल्टा के लिए रिलेशन निकाल सकते हो। डेल्टा के रिलेशन इसके एग्जैक्टली अपोजिट आएंगे। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, देखो डेल्टा को मेश कनेक्शन भी बोलते हैं। सो द फिनिश टर्मिनल ऑफ वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू स्टार्ट टर्मिनल ऑफ द अदर फेज। फिनिश टर्मिनल जो होता है एक वाइंडिंग का, वो स्टार्ट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं दूसरे फेज के, एंड ऐसे ही कनेक्ट करते रहते हैं हम, विच गिव्स अ क्लोज सर्किट। उससे हमें एक क्लोज सर्किट मिलता है। एंड द थ्री लाइन कंडक्टर्स आर रन फ्रॉम द थ्री जंक्शंस ऑफ मेश। थ्री लाइन कंडक्टर जो है वो आपके रन होते हैं आपके थ्री जो टर्मिनल्स है जंक्शंस के मेश के, वहाँ से वो रन होते हैं थ्री लाइन कंडक्टर्स, उसको भी बोलते हैं लाइन कंडक्टर। अभी फेज करंट, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के डेफिनेशन वही रहेंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच फेज इज कॉल्ड एज फेज करंट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच लाइन कंडक्टर इज कॉल्ड एज लाइन करंट। देन द करंट वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज इज कॉल्ड एज फेज वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस टू लाइन कंडक्टर इज कॉल्ड एज लाइन वोल्टेज। वही डेफिनेशन है। ये स्टार में जो डेफिनेशन बोले थे वही डेफिनेशन है। रिलेशन निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, डेल्टा में रिलेशन क्या आता है फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट का। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स 1 एंड 2 इज द सेम एज अक्रॉस द टर्मिनल्स R एंड Y। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है 1 एंड 2 में जो फेज वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस रहेगा, वो सेम अक्रॉस रहेगा R एंड Y की। ठीक है, यानी ये 1 एंड 2 टर्मिनल्स में जो वोल्टेज मिलेगा अपने को इसके अक्रॉस, उतना ही वोल्टेज मिलेगा हमें यहाँ पे R एंड Y में। क्लियर, समझ में आया। वैसे हमें 2 एंड 3 में ये वाइंडिंग के अक्रॉस जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही वोल्टेज Y एंड B में मिलेगा, और हमें यहाँ पे 3 एंड 1 के वाइंडिंग के अक्रॉस जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा आपका, इसमें R एंड B में। ठीक है, समझ लो। मग याच्यावरून इक्वेशन काय लिहू शकतो आपण, E12 इज इक्वल टू ERY। सिमिलरली E23 इज इक्वल टू EYB लिहू शकतो, आणि E31 इज इक्वल टू EBR लिहू शकतो। म्हणून इथं फेज व्होल्टेजेस असतील आपले E12, E23, E31 हे फेज व्होल्टेजेस असतील, आणि लाईन व्होल्टेजेस असतील आपले ERY, EYB आणि EBR, दॅट इज इक्वल टू EL। ठीक आहे, आणि म्हणून डेल्टा कनेक्शन मध्ये लक्षात ठेवा लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज हे इक्वल असते। क्लियर है? यहाँ पे देखा ये लाइन वोल्टेजेस थे आपके ERY EYB एंड EBR और ये इतना ही वोल्टेज हमें ये फेज के अक्रॉस भी मिलता है तो उसकी वजह से लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज यहाँ पे आपके इक्वल रहेंगे। अभी लाइन करंट एंड फेज करंट में रिलेशन कैसे निकालेंगे? सो एज इन द बैलेंस सिस्टम द थ्री फेज करंट I12 यहाँ पे देखो थ्री फेज करंट I12 देन I23 एंड I31 आर इक्वल रहेंगे ये। ठीक है, ये I12 I23 एंड I31 इक्वल रहेंगे ठीक है मैग्नीट्यूड में बट आर डिस्प्लेस फ्रॉम वन एंड अदर बाय 120 डिग्री। लेकिन इसमें एंगल कितना रहेगा आपका 120 डिग्री। सो इसमें ये फेज करंट रहेंगे आपके I12 I23 एंड I31 इज इक्वल टू I फेज। सो वी नो दैट IR इज इक्वल टू IL। यहाँ पे IR इज इक्वल टू क्या है आपका IL रहेगा ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन IR इज इक्वल टू I31 माइनस I12 IR इज इक्वल टू ये IR है आपका। अभी ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा IR I31 एंड I12 का। यहाँ पे देखो IR इज इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस ये है यहाँ पे I31 एंड I12 का दैट इज इक्वल टू IL एंड ये इक्वेशन मिलेगा अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 3I फेज स्क्वायर जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू I फेज। सिमिलरली IY एंड IB के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं अपन IYB का इक्वेशन फेजर डायग्राम से क्या लिख सकते हैं बस देखो IY के लिए I12 माइनस I23 और इसके लिए IB के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं अपन I23 माइनस I31। समझ में आया? तो इसकी भी वैल्यू कितना आएगा IL इज इक्वल टू √3 इंटू I फेज ही आएगा। तो डेल्टा कनेक्शन में ध्यान में रखो लाइन करंट एंड फेज करंट क्या होता है रिलेशन लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ दी फेज करंट। लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ दी फेज करंट एग्जैक्टली स्टार के अपोजिट रिलेशन मिलता है। समझ में आया? तो ये स्टार एंड डेल्टा कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए ठीक है तभी आपको आगे का पॉइंट समझ में आए। क्लियर है? तो इसमें कि किसी को डाउट है आज के लेक्चर में तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं ठीक है। तो विल स्टॉप हियर ठीक है। अभी एक्चुअल जो मेथड्स है थ्री फेज पावर मेजरमेंट के दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।